पकोड़े बनाएंगे घर पे ही। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में मैं एक कटोरी चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। इसको छान के ले लीजिए। फ्रेंड्स, मैं सारा नाप आपको कटोरी से ही बता रही हूँ ताकि आपको बनाने में तकलीफ नहीं आए और परफेक्ट बन के तैयार हो। और सेम उसी कटोरी से 1/4 कटोरी ये बेसन है, इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून भर के गेहूं का आटा है, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। 1/4 टेबल स्पून करीब नमक है, नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून ये बेकिंग पाउडर है, इसको भी इसी में डाल देंगे या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड, जिस कटोरी से मैंने आटा डाला था सेम उसी कटोरी से मैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी का यूज करूँगी। पहले 1 कटोरी डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया है, सब कुछ प्रोसेस हमको बिना गैस की अभी करना है। बाद में हम इसको गैस पे कुक होने के लिए चढ़ाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स कर लिया है। अब हम 1 और कटोरी इसमें पानी ऐड करेंगे। टोटल 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसको गैस पे रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अब इसको चलाते हुए हमको कुक करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा और अच्छे से चलाते हुए इसको कुक करेंगे। फ्रेंड्स, हमको इसको लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है। इसको ऐसे चलाते जाएंगे, हम इसको धीमे गैस पे कुक करेंगे। देखिए फ्रेंड, अभी थोड़ा कुक होने लगा है तो मैं 1 टेबल स्पून भर के घर का प्रेस बटर ऐड कर रही हूँ। आप मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। और इसको भी इसी में मिक्स करके चला लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा, तो बिल्कुल सावधानी से इसको बनाना है, छोड़ना नहीं है। ये देखिए कितने फटाफट ये कुक हो गया है, 3 से 4 मिनट में पूरा कुक हो जाता है ये। देखिए ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। हमको इसको इतना ही गाढ़ा करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, त्योहारों का सीजन आ रहा है, अगर आप इसमें अपने बच्चों को बाजार की चीज़ें नहीं खिलाना चाहते तो इस मेरी रेसिपी को घर पे बनाइए और कुरकुरे खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगा। हमने इसको ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। देखिए फिर मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया था और ये ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ और इसको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। मैंने आटे को मसल के तैयार कर लिया, तो चलिए इसको कुरकुरे का शेप देंगे। देखिए हाथ पे थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा लेंगे ये हाथ पे और इसको उंगली की सहायता से ऐसा शेप बनाएंगे। ये देखिए कितने आसानी से बन जाता है, हाथ से तोड़ ले वाले और इसको हाथ से ही बना सकते हैं। ये देखिए, आप इसको अपने मन चाहे शेप में दे सकते हैं, मोटा पतला जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं। ये देखिए सारे ऐसे बना के हम तैयार करके रख लेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए बाकी भी ऐसे बना लेंगे। ये देखिए मैंने कई सारे बना लिए हैं। ये देखिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने कुरकुरे डाल के चेक करते हैं, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसको डाल के और मीडियम हाई गैस पे इसको फ्राई कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे इसमें डाल देंगे जितनी एक बार में बैचेस आएंगी। देखिए हमने इसमें बहुत सारा एक साथ डाल दिया है। हम इसको उलट पलट के और अच्छा सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमको मीडियम हाई रखना है। इसको वापस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उलट पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सेक रहा है ये। इसको अच्छे से उलट पलट के हमने सेक लिया है। देखिए ये सिक गया है। अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने बाकी को भी डाल दिया है और ये तल के भी साइड में रख लिया है। देखिए हमारे कुरकुरे तो फ्राई हो गए हैं, तो चलिए हम इसका मसाला बनाते हैं। एक बाउल ले लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है, 1/4 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर है, 1/2 टीस्पून ये चाट मसाला ऐड करेंगे।
ये इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम काला नमक है, 1 टीस्पून ये पाउडर शुगर है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो थोड़े से गुठलियाँ आ गई हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, उसको ऐसे चम्मच से दबा के और मिक्स कर लेंगे पूरा अच्छे से। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें हमारे सारे कुरकुरे डाल देंगे जो हमने बनाया था, तो सारा कुरकुरे उसमें ऐड कर देंगे। हमको मिक्स करना है इसलिए हम बड़े बाउल का यूज करेंगे और ऊपर से सारे मसाले डाल देंगे। और ऊपर से एक प्लेट लगा के यूं यूं करके ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा, ऐसे ऐसे छानेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए यूं ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे में कोट हो जाएगा आसानी से। ये देखिए बनके तैयार हो गए हमारे होममेड कुरकुरे। आपको बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। थैंक यू।